नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। इस अभिक्रियाओं के नाम से ही पता चलता है बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, ठीक है। तो पहला प्रकार अपन के रासायनिक अभिक्रियाओं में है मंद अभिक्रिया, ठीक है। मैंने कहा नाम से ही पता चलता है। तो मंद का सिंपल सी अर्थ के रूप में क्या होता है, मतलब धीरे। मंद का मतलब होता है विद्यार्थियों धीरे। तो धीरे का मतलब होता है वह चीज जिसके होने में समय लगता है वो किसको बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलेंगे आप स्लो, और अभिक्रिया को आप कहेंगे रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है, स्लो होती है या धीरे होती है, उसी को अपन बोलते हैं मंद अभिक्रिया, ठीक है। तो परिभाषा सिंपल सी हो जाएगी इसकी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको प्रोण होने में क्या लग जाएगा, घंटे लग जाते हैं या दिन लगते हैं या काफी वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सा बात याद रखना मंद अभिक्रिया की, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में काफी समय वर्ष घंटे इत्यादि लग जाते हैं, उसे ही मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात याद रखोगे क्या, अधिक समय में वो पूर्ण होती है, उसको जो होने में जो समय लगता है वो काफी समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, मंद अभिक्रिया, ठीक है। बात आती है अपन के दूसरी क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो नॉर्मली अपन पहला उदाहरण लेते हैं कि दूध का दही से बनना, दूध से क्या बनना, दही का बनना। तो वो क्या होती है, रात के पूरे 12 घंटे के अंदर जो होती है सुबह तक दही क्या बन जाता है, दूध का क्या बन जाता है, दही बनता है। तो उसमें काफी समय लगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसके काफी समय लगता है, तो वह अभिक्रिया क्या है, मंद अभिक्रिया। फिर दूसरी बात आती है कि जो लोहे की वस्तु होती है उसके ऊपर हाथों हाथ कभी या तुरंत ही उसके ऊपर क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, उसके अंदर भी काफी समय लगता है, तो वह अभिक्रिया का उदाहरण भी किसके अंदर आएगा, मंद अभिक्रिया के अंदर आता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो सिंपल बात याद रखना, तो पहला आपका उदाहरण हुआ कि दूध से दही का बनना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, समय लगता है, तो समय लगता है, समय की बात अपन के अंदर आई है यहां पे, ठीक है। घंटे तो 12 घंटे के अंदर होता ही है, लगभग 12 घंटे होता है ना। तो उसके अंदर या दिन लग जाते हैं या वर्ष लग जाते हैं, तो दूध का दही में बनना ही एक, तो दूसरी बात याद रखना ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और उस पीछे लिया था अपन ने कि दूध का दही में बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूसरा आपको उदाहरण लिया, ये उदाहरण इसके अंदर आएगा मंद अभिक्रिया के अंदर, क्यों, क्योंकि अपन ने लिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में काफी समय वर्ष घंटे इत्यादि लग जाते हैं, जिसको अधिक समय में वो अभिक्रिया पूर्ण होती है, वही अभिक्रिया मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो दूध का दही बनना, दूसरी अभी मैंने आपको क्या बताया, लोहे की वस्तु पर क्या लग जाना भाई, जंग लगना, ठीक है। यह भी उदाहरण किसके अंदर आता है, मंद अभिक्रिया के अंदर आता है, क्योंकि लोहे की वस्तुओं पर तुरंत ही कभी भी जंग नहीं लगता है, ठीक है ना। तो लोहा जिसको अपन आयरन बोलते हैं, जिसका प्रतीक होता है Fe। अब लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग लगती है दो कारणों से, ठीक है। दोनों चीजें समान रूप से होती है लगभग, तभी वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर जंग लगती है। एक तो वायु, हवा होगी तब उसके अंदर वो लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है। दूसरा आद्रता, ठंडापन रहेगा तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। अभी अपने बात की कि लोहे की वस्तु जो होती है उसके ऊपर दो कारण से, आद्रता ठंडापन और या जल या ऑक्सीजन, दोनों की समान मात्रा जब लगभग रहती है तब लोहे की वस्तुओं पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन और
जब इन दोनों की मात्रा होगी तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टू एफ पी प्लस ओ थ्री बाय थ्री एच टू ओ, ये हो जाएगा आपका जंग। ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग जो लगती है वह मंद अभिक्रिया कहलाती है और जिसको होने में समय लगता है काफी वही अभिक्रिया क्या होती है मंद अभिक्रिया कहलाती है। फिर बाद में अपने लेगा दूसरा तीव्र, देखो ये मंद थी तो अपन इसको क्या बोला था धीरे, इंग्लिश में क्या बोला था स्लो। अब तीव्र, तीव्र का मतलब सामान्य होता है क्या तेज, या इसको बोले इंग्लिश में तो हो जाएगा फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो वो तो थी मंद अभिक्रिया यानी स्लो थी, धीरे थी, धीरे संपन्न होती है और ये हो जाएगी आपके कौन सी तीव्र यानी फास्ट होती है। तो परिभाषा पहली बात उनकी याद रखनी है वह रासायनिक अभिक्रिया जो अति शीघ्र बहुत ही कम समय में ही वह जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, अति शीघ्र संपन्न हो जाती है, उसे ही अपन बोलते हैं क्या तीव्र अभिक्रिया। तो दूसरी बात इसके लिए याद रखना ये आयनिक अभिक्रिया होती है, आयनिक कितने होते हैं दो धनायन और ऋणायन, तो ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है आयनिक अभिक्रिया है कैसे समझना कि जब परबल अम्ल और परबल क्षार दोनों के बीच में जब मध्य अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ये चीज आगे अपन और पढ़ेंगे, ये चीज आपके आएगी और इसके अंदर उदासनीकरण अभिक्रिया के अंदर भी आती है कि अम्ल और सार जिनके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर परबल अम्ल और परबल सार के बीच के अंदर मध्य क्या होती है रिएक्शन यानी अभिक्रिया होती है। तो परबल अम्ल और परबल क्षार ये क्या हो गया आपके आयनिक धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होती है अभिक्रिया होती है, यानी परबल परबल अम्ल होगा और परबल क्या होगा क्षार। परबल का मतलब होता है एकदम तुरंत बढ़िया अच्छा, परबल का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, फिर बाद में याद रखना भाई इसका क्या दूसरी बात क्या तीसरी बात याद रखेंगे उदाहरण याद रखेंगे, तो उदाहरण याद कर लेना आपके, तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में आपको क्या याद रखना है अभी मैंने आपको कहा था परबल अम्ल और परबल क्षार, तो परबल अम्ल ले लेते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, परबल अम्ल ले लिया सॉरी परबल क्षार ले लिया अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड और परबल अम्ल जो लेना है आपको ले लेना है HCl। ठीक है, यानी इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये परबल आपके क्षार है या आपके परबल अम्ल है। अब मैंने आपको अभी बताया कि परबल अम्ल और परबल क्षार दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो कौन सी अभिक्रिया होती है उदासनीकरण, तो यहाँ पे आपके बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl प्लस यानी लवण सोडियम क्लोराइड और रहेगा आपका जल। ये अभिक्रिया आपके आगे और आएगी, आपको पढ़ेंगे कि परबल अम्ल और परबल क्षार की जो मध्य अभिक्रिया होती है उसके अंदर लवण और जल बनते हैं उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं उदासनीकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पीएच मान होता है कितना होता है सात होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किसका निर्माण होता है लवण का, नमक का, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है उदासनीकरण अभिक्रिया होती है और ये बहुत ही तुरंत अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है तीव्र अभिक्रिया, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं यानी कि इसका समय जो होता है 10^-10 सेकंड के अंदर इसका समय होता है वो बहुत ही तेजी से हो जाती है। दूसरा उदाहरण हो लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, तो यहां पे हो जाएगा आपका HCl और फिर बाद में आपके बचेगा नाइट्रिक अम्ल, ये हो जाएगा आपका जब सिल्वर नाइट्रेट के अवशेष के अंदर अम्ल के अंदर सॉरी क्षार के अंदर क्या मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, तो अब दोनों के बीच में क्या होगी बहुत ही कम समय में अभिक्रिया होगी, क्रिया होगी तो एक सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा जो एक कैसे कलर के अंदर सावेत अवशेष के रूप में प्राप्त होता है और ये क्या बनता है नाइट्रिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है, यह भी अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है इसीलिए इसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नमक और जल का निर्माण
ठीक है। फिर बाद में सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में जब क्रिया करेंगे सोडियम क्लोराइड सॉरी सिल्वर क्लोराइड सफेद अवशेष के रूप में और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है भाई। और दूसरा अन्य उदाहरण के रूप में आपको याद रखना भाई, सुन लेना कि पौधों के अंदर किसके अंदर, पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही गति बहुत तेजी से होती है। जो सूर्य के प्रकाश में एक इंपॉर्टेंट चीज है नहीं कि अर्धअयनीकरण, अर्ध का मतलब तो आप सिंपल समझ में हो गए कि टी का मतलब क्या होता है, समय, और समय का मतलब टी वन अपॉन टू यानी आधा समय, अर्ध यानी आधा समय, आयु का समय, अर्ध आयु काल का मतलब होता है आधा समय। तो अभिकारकों की यानी ये आपके अभिकारक है तीर से पहले वाले अभिकारक, अभिकारकों की आधी मात्रा, अभिकारकों की जो मात्रा होती है पूरी होती है, इसके पूरी में पूरी नहीं, अभिकारकों की आधी मात्रा जो है उनसे कितनी आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय, जब अभिकारक के अंदर उत्पाद, अभिकारक के अंदर जो भी क्या है मात्रा है अभिकारकों की, उस मात्रा में जो उत्पाद में बदलने में जो आधा समय लगाते हैं उसी को अपन बोलते हैं अर्ध आयु काल कहते हैं, ठीक है भाई। तो अभिकारकों की जो मात्रा होती है आधी मात्रा के अंदर उत्पाद में बदलने में क्या होता है जो समय लगता है उसी को बोलते हैं अर्ध आयु काल कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात याद रखना भाई, अपन के था अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल का मतलब होता है कि जो भी अभिकारक यानी कि आपके अभिकारक है उस अभिकारकों की आधी मात्रा जितनी है उनसे क्या आधी वन अपॉन टू आधी मात्रा को उत्पाद में किसमें उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है उसी को अर्ध आयु काल कहते हैं। तो ये बात सिंपल याद रखना है कि अभिकारकों की जो मात्रा होती है उसको उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है वो कितना होता है आधी मात्रा की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं अर्ध आयु काल। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है अपने पंडिती तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, नाम से ही पता चलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।